जो केस चल रहे हैं, जो चल रहा है दौरान-ए-इद्दत निकाह का, और जिसमें मुलजिम और मुजरिम इमरान नियाजी और बुशरा हैं, उस सिलसिले में मैं थोड़ी सी ये पेश करूंगा। एक ऑडियो आपने सुननी है और सिर्फ ये 2 मिनट आपने देने हैं, उसके बाद आगे मैं उस पर वजाहत करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुताहरा की रोशनी में इद्दत की मुद्दत क्या है और कुरान सुन्नत इसके बारे में क्या रहनुमाई करता है, इस हवाले से कुछ गुजारिशात। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले पाक कलाम में सूरह तलाक के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें इद्दत की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि या अय्युहन नबीयु इज़ा तल्लक्तुमुन निसा फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वाहसुल इद्दा। तो उम्मत को तालीम दी गई कि अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के दिन वो जरूर गिन लिया करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इद्दत के दिन हैं कितने, इसकी मुद्दत क्या है। तो इस हवाले से भी कुरान मजीद के अंदर वजाहत मौजूद है और ये बात इंतहाई काबिले गौर है कि जब किसी शरी मसले की रहनुमाई कुरान के अंदर वाज तौर के ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर किसी दूसरी दलील की कोई जरूरत पेश नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बयान करते हुए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बि अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को रोक के रखें 3 कुरू यानी 3 दोहर तक। इसका सादा मफहूम यह है कि 3 महीने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बनती है। तो इस मुद्दत का तायुन अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर वाज़े फरमा दिया है, लिहाजा इससे कम मुद्दत के अंदर अगर निकाह दोबारा कर लिया जाए तो शरी एतबार से वो नाजायज होता है। फतावा जात के अंदर हम अगर आते हैं तो उसके अंदर भी इस्लामी तारीख के अंदर जो सबसे आम तरीन फिकी अहकामात जिसके अंदर मौजूद हैं, जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं, फतावा हिंदिया भी कहते हैं, उसके किताब तलाक के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की जो इद्दत है वो 3 महीने जिक्र की गई है। इसके अलावा दुर्रे मुख्तार के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने ही लिखी गई है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फुकहाए किराम के अकवाल की रोशनी में ये बात वाजे है कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने है, इससे कम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। हाली ये आपने सुना, और ये वो बात है जो इन्होंने की आज कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की जो वजाहत की है, कि मेरा ख्याल में कि हमारे मुल्क को कौम में रहने वाले गरीब हों या अमीर हों, वो जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें उनको बताना नहीं पड़ता कि इद्दत का इतना वक्त है, आप ना करें, क्योंकि ये एक हमारा कल्चरल वैल्यू है और माशरे में ये एक्सेप्टेबल बात है।